नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 966वां एपिसोड। आज 9 मई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें फिर से आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। दोस्तों, कौन सी टीम पहुंचेगी प्लेऑफ में, आज की परिस्थिति में किस टीम के हैं कितने परसेंट चांसेस, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और आईपीएल की इसी तरह की तमाम रिपोर्ट, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स और स्टोरीज हर रोज सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को कर दो, सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दिनभर की पहली बड़ी रिपोर्ट के हवाले से तो रैना ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। यह खुशखबरी सीएसके के फैंस के लिए भी है और आईपीएल के हर फैन के लिए, क्योंकि रैना कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले जब महेंद्र सिंह धोनी से उनकी मुलाकात हुई थी तब रैना ने उनसे पूछा था कि क्या यह आपका आखिरी सीजन है, तो धोनी ने यह कहा था कि आई विल कंटिन्यू प्लेइंग, मतलब मैं खेलता रहूंगा, यह मेरा आखिरी सीजन नहीं है। रैना ने क्लियर किया है कि धोनी इस साल अपना फेयरवेल आईपीएल नहीं खेल रहे हैं। वो किसी को बता जरूर नहीं रहे हैं, लेकिन इतना क्लियर है कि वो अगले साल का आईपीएल भी खेलेंगे। अगर रैना की ये बात सही हुई ना भाई, तो कह लो ना कि इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती किसी के लिए भी। आईपीएल का हर फैन खुश होगा इस चीज से और रैना की इस खबर के लिए ही लाइक बनता है। लाइक नहीं किया तो कर देना लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन में की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है आज के मैच को लेकर। आज बहुत बड़ा मैच होगा वानखेड़े स्टेडियम में। आरसीबी के सामने मुंबई इंडियंस की टीम चुनौती बनेगी। कौन जीतेगा कौन नहीं, इसको लेकर तो मैंने प्रिडिक्शन वीडियो ऑलरेडी बना दी है, लेकिन भैया इस मैच की फैंटेसी टीम, प्लेयर स्पॉट की हमारी टीम देख लो, आप साइड में देख रहे होंगे। हमने इस मैच से पहले दोस्तों ऑलरेडी आपसे कहा था कि हम प्लेयर स्पॉट पर खेलेंगे, इस टीम के साथ हम ग्रैंड लीग खेलने वाले हैं। मैंने प्लेयर स्पॉट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, फटाफट तैयारी कर लो जीतने की। क्यों? क्योंकि 1 रुपए में 30,000 रुपए जीतने का मौका है। यहां पर करोड़ों के नामों की कह लो ना सपने नहीं दिखाए जाते, यहां पर बहुत ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आपको बताया जाता है। एंड दैट्स व्हाई पॉट को ज्वाइन कर लो, प्लेयर स्पॉट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टीम मैंने ग्रैंड लीग की दे दी है, टेलीग्राम पर फॉलो कर लोगे ना तो 2-3 टीम्स देता हूं मैं, मतलब मैच से तुरंत पहले 3 टीम दूंगा मैं ग्रैंड लीग की। तीनों से खेलो, एक भी चली ना तो मजा आ जाएगा, सीधे 30,000 रुपए अकाउंट में आएंगे। रियलिस्टिक है, प्लेयर स्पॉट है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है दोस्तों टीवी आईपीएल रिकॉर्ड्स के हवाले से। वैसे तो हम लगातार सुनते हैं कि जियो सिनेमा पर इतने लोगों ने देखा, इस मैच को इतने लोगों ने देखा, अब टीवी के भी कुछ आंकड़े आ गए हैं। स्टार स्पोर्ट्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सीएसके जीटी जो पहला मैच हुआ था रिपोर्टेडली उसको 5.6 करोड़ कॉन्करेंट व्यूअर्स ने देखा था, मतलब एक बार में एक साथ 5.6 करोड़ लोग देख रहे थे। तो वही सीएसके आरसीबी वाले मैच को 5.2 करोड़ और सीएसके केकेआर वाले मैच को 5.1 करोड़ लोगों ने कॉन्करेंट व्यूअरशिप के साथ टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स पर देखा था। तो स्टार स्पोर्ट्स की व्यूअरशिप लगभग दुगनी है जियो सिनेमा की व्यूअरशिप से, लेकिन एक अंतर आप समझिए दोस्तों, टीवी बहुत बड़ा है और टीवी और फोन में बहुत अंतर होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ आधे का ही अंतर है। ये बताता है कि धीरे धीरे भैया जियो सिनेमा आने वाले 10 सालों के अंदर में टीवी को पीछे छोड़ देगा। बाकी आप कहां पर देख रहे हो इस साल का आईपीएल, कमेंट बॉक्स नीचे अपनी राय, अपना डेस्टिनेशन, आप कहां पर देख रहे हो, स्टार पर या जियो पर, बता देना नीचे लिखकर। ऐसे बात करते हैं दिनभर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के हवाले से। वैसे तो केएल राहुल चले गए हैं, तो इनके लिए आने वाले 10 दिनों में आप बहुत सारी बुरी खबरें आते हुए सुनेंगे, लेकिन एक अच्छी खबर आई है, मार्क वुड की वापसी हो गई है। वो इंग्लैंड गए थे अपने पर्सनल रीजन के चलते, दैट्स व्हाई उनकी अवेलेबिलिटी नहीं दिख रही थी, लेकिन अब आने वाले मैचों में मार्क वुड हमें अवेलेबल दिखेंगे और लखनऊ के लिए बहुत बड़ी बूस्टर रिपोर्ट है। हालांकि ये खबर हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल दी थी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक डाला हुआ है। फैंटेसी टीम तो देंगे ही देंगे दोस्तों आपसे प्लेयर स्पॉट की, लेकिन सारी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले हम ही देते हैं। फटाफट जाओ ज्वाइन कर लो, आपको मजा जाएगा और ग्रैंड लीग पर फोकस करते हैं और अब करेंगे फोकस ग्रैंड लीग पर। सिर्फ 10 दिन का आईपीएल बचा है और 10-15 दिन में अब ग्रैंड लीग खेलना है भाई, ये हमने ठाना है। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर निकल कर आ रही है वसीम अकरम के हवाले से। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने बड़ी बात कह दी है आरसीबी और
सीएसके की टीम को लेकर। उन्होंने कहा कि जो महेंद्र सिंह धोनी सीएसके की कप्तानी करते हैं, अगर वो आरसीबी की कप्तानी कर रहे होते तो आरसीबी भी कई सारे खिताब जीत चुकी होती। तो उन्होंने सीधा सीधा महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ कर दी एक तरफ, और दूसरी तरफ आरसीबी की कप्तानी मतलब विराट कोहली की एक तरह से क्रिटिसिज्म कर दिया। क्या आपको भी ऐसा लगता है, क्या आरसीबी के कप्तान अगर धोनी होते तो आरसीबी खिताब जीत चुकी होती? आपकी इस पर क्या राय है? इस पर डिटेल में अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, क्योंकि ये सोचने वाली बात है। मतलब इसके बारे में किसी ने अभी तक खुलकर सोचा नहीं है, लेकिन आप भी एनालिसिस करिए अपने दिमाग में और बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि वसीम अकरम के पास अलग से तो दिमाग आया नहीं है। हम भी कर सकते हैं भाई, आप भी कर सकते हो, आप ही तो इवेंचुअली आप ही देखते हैं मैचेस, तभी तो जाकर व्यूअरशिप बनती है, तभी तो ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इतने बड़े बड़े प्लेयर्स पैसे कमाते हैं। तो अपनी राय लिखना मत भूलना कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की छठी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है रवि शास्त्री को लेकर। रवि शास्त्री ने एक ब्लंट स्टेटमेंट, एक सीधा स्टेटमेंट दिया है मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा को लेकर। रवि शास्त्री ने साफ कहा है कि when you are not getting runs, the captaincy is also difficult and affected. तो रवि शास्त्री ने क्लियर कट कह दिया कि जो मुंबई इंडियंस की टीम परेशान है वो रोहित की कप्तानी के कारण है, क्योंकि रोहित का बल्ला नहीं चल रहा है, उनकी कप्तानी अफेक्ट हो रही है। रवि शास्त्री ने साफ कहा कि जब हम पहले भी आईपीएल देखते थे, जब रोहित शर्मा का बल्ला खूब चलता था तो उनकी कप्तानी में भी एक जोश दिखता था, लेकिन जब उनका खुद का बल्ला नहीं चल रहा है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी खुद के साथ हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई कप्तानी में वो ताकत नहीं दिख रही है रवि शास्त्री के अनुसार। एक बात अगर मैं हम सोची जाए तो रवि शास्त्री की सही भी है, क्योंकि अगर कप्तान खुद अपने बल्ले से प्रदर्शन नहीं करता और इवेंचुअली टीम हारती है ना, तो वो किसी पर तोहमत नहीं जड़ सकता, वो खुद ही अपने आप को गिल्टी फील करेगा। और ऐसा ही रोहित शर्मा के साथ अभी की स्थिति में हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई मैं लगातार बोलता हूं भैया रोहित जल्दी से फॉर्म में आ जाए, क्योंकि भारत को जरूरत है उनकी, भारत को उनकी जरूरत वर्ल्ड कप में है, और अगर रोहित अच्छे फॉर्म में नहीं रहेंगे ना तो वर्ल्ड कप में भारत परेशान रह सकता है। तो रोहित के फॉर्म के लिए, वापसी के लिए सही एक लाइक तो बनता है, नहीं किया तो कर दे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज से बात करते हैं दिन में की सातवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो किसके कितने परसेंट चांसेस है प्लेऑफ में जाने के, प्लेऑफ का पूरा गणित पूरा सिनेरियो अब मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम 90% चांस वाली टीम की। तो सिर्फ इकलौती ऐसी टीम है जिसके 90 से 100% कंफर्म चांसेस है। आज की परिस्थिति में दोस्तों गुजरात टाइटंस इकलौती टीम है, एंड गुजरात ने अभी तक 16 अंक हासिल कर लिए पॉइंट टेबल पर। इस समय गुजरात का +0.9 का नेट रन रेट चल रहा है, यहां से गुजरात की टीम कंफर्म जाएगी। अगर मैं बात करूं दोस्तों 60 से 70% वाली टीम की, तो 60 to 70% वाली टीम में है सीएसके की टीम, आरसीबी की टीम, एमआई की टीम, इन तीनों के 60 से 70% चांसेस होंगे। सीएसके ऑलरेडी 13 अंकों के साथ है, तो सीएसके की स्थिति अच्छी है। एमआई और आरसीबी दोनों ने अभी तक सिर्फ 10-10 मैचेस खेले हैं, तो दोनों ही टीमों के पास अपने 4-4 मैचेस बचे हुए हैं, एंड दैट्स व्हाई इनके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस टीम के पास ज्यादा मैचेस बचे होंगे उस टीम के पहुंचने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि उस टीम के पास मौका ज्यादा होगा, एंड दैट्स व्हाई ये तीन टीम सीएसके आरसीबी एमआई इनके 60 to 70% चांसेस है। अगर मैं आगे बढ़ूं बात करूं 50% चांस वाली टीम की, तो लखनऊ, राजस्थान, पंजाब और केकेआर इस कैटेगरी में आती है। अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ 11 मैचेस खेल चुका है, लखनऊ के पास सिर्फ 3 मैचों का मौका है। राजस्थान के पास भी सेम सिर्फ 3 मैचों का मौका है, पॉइंट्स अभी राजस्थान और लखनऊ दोनों के ही बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूं दोस्तों पंजाब केकेआर की, कल मैच हुआ और कल के मैच के बाद स्थिति यही है कि दोनों ही टीमें 10-10 पॉइंट पर पंजाब और केकेआर भी खड़ी हुई है, एंड दैट्स व्हाई इन सारी टीमों के पास 50% चांसेस है, सिर्फ आधे चांसेस बचे हुए। अगर मैं बात करूं दोस्तों 10 से 20% वाले चांस वाली टीम की, तो यहां पर एसआरएच और डीसी का नाम आता है। एसआरएच और डीसी इन दोनों ही टीमों के पास सिर्फ 8-8 अंक हैं। आज की परिस्थिति में दोस्तों 8 अंक होने के बावजूद आपके पास 4-4 मैचेस बचते हैं, अगर आप चारों मैचेस जीत जाते हैं आप 16 अंकों के साथ क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन ऐसा होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, इसलिए 10 से 20% ही चांसेस है। तो ये तो भैया हमने बता दिए हर टीम के चांसेस। अब आप बताओ आपके हिसाब से कौन क्वालिफाई करेगा? मेरे हिसाब से गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी और शायद राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई करेगी, जो प्रिडिक्शन मैंने आईपीएल की शुरुआत से पहले की थी, अभी भी मैं उस पर स्टिक हूं, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां से आठवीं बड़ी रिपोर्ट की, यहां से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है एशिया कप के वेन्यू को लेकर। एशिया कप जो कि इस साल पहले पाकिस्तान में 50 ओवर फॉर्मेट में होने वाला था, लगातार विवाद चल रहा था, टीम इंडिया वहां जाने से मना कर चुकी थी, भारत की सरकार ने इजाजत नहीं दी थी।
रिपोर्ट आ गई है, पाकिस्तान नहीं रिपोर्टेडली लंका में एशिया कप इस साल का होस्ट हो सकता है और पाकिस्तान इस साल के होस्टिंग राइट्स एशिया कप के छोड़ सकता है। हालांकि दोस्तों अभी की परिस्थिति में ये क्लियर नहीं है कि पीसीबी माना है या नहीं माना है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो चाहता था कि एशिया कप उनके देश में हो, और अगर ये इनसे मेजबानी छीन ली जाती है एशिया कप की तो क्या ये श्रीलंका में आकर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस पर भी सवाल है। तो एशिया कप एक बड़ी पहली भी बन गया है इस साल और एशिया कप टेंशन का मामला बन गया है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए। बाकी इस पर आप भी अपनी राय जरूर दो कि कहां पर किस देश में इस साल का एशिया कप होना चाहिए, कमेंट बॉक्स नीचे अपनी राय लिख देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नौवीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो ये खबर आ रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से। ये रिपोर्ट ऑलरेडी अगर आपने हमें टेलीग्राम पर फॉलो किया होगा तो कल ही हमने दे दी थी, जिन्होंने नहीं किया कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। रिपोर्ट अभी फिर से दे देता हूं। ईशान किशन की टीम इंडिया में एंट्री हो गई है WTC फाइनल के लिए। KL राहुल की जगह वो भारतीय टीम में खेलेंगे। आपको बता दें कि KL राहुल IPL में ही, आपने देखा था कि किस तरह से उन्हें लैग इंजरी हुई थी, वो IPL से भी बाहर हुए थे। IPL में भी लखनऊ सुपर जायंट्स टेंशन में बैठी हुई है और अब टीम इंडिया के लिए भी टेंशन बढ़ गया। हालांकि एक चीज बता दूं कि इतना टेंशन वाला मामला नहीं है भारत के लिए, क्यों? क्योंकि KL राहुल को हमने लंबे अरसे से बहुत अच्छे फॉर्म में देखा नहीं है और टीम इंडिया उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रही थी। उम्मीद तो थी उनसे पर बहुत ज्यादा नहीं थी। अब ईशान किशन उनकी जगह क्या करते हैं ये तो टाइम बताएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब दसवीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो SRH और RR के बीच मैच हुआ और फाइनल ओवर में हमने देखा कि संदीप शर्मा ने आखिरी गेंद पर नो बॉल फेंक दी। क्रिकेट में ऐसा होता है लेकिन फैंस ये ट्रेंड कराने लगे कि भैया ये जो मैच था ये फिक्स था। इस पर BCCI के कुछ सोर्सेस और ऑफिशियल्स के हवाले से रिपोर्ट आई है। BCCI ऐसा नहीं समझता है कि ये मैच फिक्स था। तो बहुत सारे जो लोग ट्रेंड करा रहे हैं उनके लिए ये रिपोर्ट है, ये खबर है कि BCCI ने क्लियर कर दिया है कि ये मैच फिक्स नहीं था, क्योंकि उनकी एंटी करप्शन यूनिट को ऑलरेडी रिपोर्ट लग जाती है कि बैक ऑफ द पर्दे के पीछे, मतलब बैक ऑफ द कर्टन क्या चल रहा है IPL में, एंड दैट्स वाई वो क्लियर किया है उन्होंने कि इस मैच में किसी तरह की कोई फिक्सिंग नहीं थी। जो हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट, वो उस समय की नर्वसनेस के कारण हो गया। तो ये थी भैया दिन भर की 10 बड़ी खबरें। प्लेयर्स स्पॉट पर जरूर खेलना, टीम दे चुका हूँ, बाकी 2-3 ग्रैंड लीग की और टीम दे दूंगा मैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेयर स्पॉट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मजा आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर IPL ग्रेड फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ। गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।